हेलो फ्रेंड्स, अर्चना का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज। उसके लिए सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। तो देखिए, पका पका एकदम टमाटर ले लेंगे और बड़ा बड़ा पीस में हम इसको काट रहे हैं। और एक पैन लेंगे, सॉस पैन, और उसमें हम डालते जाएंगे। 4 से 5 टमाटर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है चटनी। आप एक बार इस तरह से बना के देखिएगा फ्रेंड्स। जब भी बनाती हूँ तो इसी तरह से चटनी बनाती हूँ। कभी कभी अलग भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा पसंद हमको इसी तरह का चटनी लगता है खाने में। इसको साइड कर देते हैं। देखिए, टमाटर को काट लिया। इसमें 6 से 7 कली लहसुन डाल देंगे, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 2 कश्मीरी मिर्च, इसको हम बीच से तोड़ के डाले थे। अब तीखा वाला मिर्च डालेंगे, और 3 ये सूखी मिर्च डालेंगे। नॉर्मल जो हम लोग के घर में रहता है वही मिर्च इसको डालेंगे, और 1 गिलास पानी डालेंगे इसमें। 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तब तक चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेंगे। मोमोज के लिए सब सब्जियां ले ली है, और इसको हम, आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। हम इसको चॉप कर लेंगे। चॉप करने से जल्दी हो भी जाएगा। तो हम इस तरह से ये छोटा मशीन ले लिया है, और इसमें पत्ता गोभी डाल दिए, और इसको हम चॉप कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारा सब्जियां चॉप करके उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए, हम इस तरह से यह गाजर और पत्ता गोभी को एकदम बारीक बारीक ग्रेट कर लिया। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, और के सब सब्जी को काट के अच्छे से डाल दिए एकदम। और तो इसमें हम नमक डालेंगे, और नमक डाल के इसको मिला के 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। जो भी पानी होगा रिलीज हो जाएगा, क्योंकि पत्ता गोभी में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। तो थोड़ा इसका पानी निकालेंगे, तभी मोमोज अच्छा बन के तैयार होगा। तो इसको देखिए मिक्स कर लिए। इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, ताकि जो पानी है इसका रिलीज हो जाए। देखिए, ये टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो इसको हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसको हम ठंडा कर लेंगे। तब ठंडा हो जाने के बाद इसको हम पीसेंगे। टमाटर ठंडा हो रहा है, तब तक हम मोमोज के लिए आटा तैयार कर लेंगे। तो देखिए, 1 कप मैदा हम भर के लिए हैं, और इसमें हम नमक और तेल का यूज़ कुछ भी नहीं करेंगे। बस पानी से इसका आटा, सख्त आटा लगाएंगे। ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो इसको हम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा लगा लेते हैं। एक बार में पूरा पानी नहीं डालेंगे, ज्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगा लेते हैं। थोड़ा सा इसको मसल लेंगे। देखिए, आटा लगा के तैयार कर लिए। तो इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसको साइड कर देते हैं, और हम सब्जी को देख लेते हैं। देखिए, अब ये ठंडा हो चुका है, तो इसको हम चटनी बना लेते हैं। ठंडा पूरी तरह से हो गया, तो चटनी बना लेंगे। तो देखिए, चटनी पीस लिए। देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है। इसको हम साइड में रख देते हैं। हरा चटनी भी बना लेंगे। तो इसके लिए हम 1 मुट्ठी भर के धनिया और लहसुन का पत्ता, और 2-3 कली लहसुन भी, और टमाटर, और नमक डालेंगे। अगर आपको अदरक का टेस्ट पसंद है चटनी में, तो आप डाल सकते हैं नमक डाल के, और इसको भी हम पीस लेंगे। इसको पीस लेते हैं, और चटनी में 2 हरी मिर्च डाल देंगे, ग्रीन वाला चटनी में, और पीस लेते हैं। इस तरह का चटनी भी खा सकते हैं आप, लेकिन हम तड़का दे के बनाएंगे। तड़का वाला ज़्यादा टेस्ट लगता है। आप चाहें तो इस तरह से भी खाएं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी एक बार आप तड़का दे के ही खा के देखिए। चलिए इसे बना लेते हैं हम। कढ़ाई गर्म हो गया है, तो उसमें हम तेल डाल दिए 2 चम्मच, छोटा चम्मच से, और 5-6 कली लहसुन को बारीक बारीक काट लिए हैं, उसको डाल देंगे। सच में बोलते हैं फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार जरूर ट्राई करें फ्रेंड। और लहसुन को हमको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस अब इसमें हम जो चटनी बना के रखे थे उसको डाल देंगे, और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे।
नमक डाल के इसको मिक्स कर देंगे, और गैस का फ्लेम स्लो कर दिए थे तो तेज कर देंगे इसको। मस्त चटनी बनके एकदम तैयार हो जाएगा फ्रेंड। हल्का सा बॉयल आएगा, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, अभी एक बॉयल आने देते हैं इसमें। देखिए चटनी में बॉयल आ गया है, तो इसको हम मिक्स कर देते हैं। इतना प्यारा कलर आया है देखिए चटनी में। ज़्यादा गाढ़ी चटनी हमको नहीं रखना है, इस तरह का चटनी चाहिए हमको। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा बनेगा डालेंगे। अब बनेगा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये चटनी बनके तैयार हो गया फ्रेंड। आप इसको 10 से 12 दिन तक यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देख लेते हैं जिसमें हम नमक डाल के छोड़े, तो देखिए पानी रिलीज हो चुका है। तब हम इसको एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसमें डाल के इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। तो देखिए हम एक कॉटन का कपड़ा ले लिया और इसके ऊपर हम ये सब सब्जी को डाल देंगे और इसका पानी हम निकाल लेंगे, निचोड़ देंगे। इससे ऐसे करने से बहुत अच्छे से पानी निकल जाता है और फिर बनाने में परेशानी नहीं होता है, मोमोज बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं और देखिए इस तरह से दबा दबा के पानी निकाल लेंगे। देखिए कितना सारा पानी है। देखिए हम पानी निचोड़ दिए इसका और हम इसमें रखते जा रहे हैं, एक प्लेट में रख लेंगे इसको। तो देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, देखिए कितना अच्छा है। और इससे ज़्यादा निचोड़ना भी नहीं है, एकदम ज़्यादा सुखा देंगे तो वो भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसी तरह का रखना है हमको। देखिए इतना पानी निकला है, इसको फेंकेंगे नहीं हम, बाद में जब सब्जी बनाएंगे तो ग्रेवी में यूज कर लेंगे। इसको साइड कर हम डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च को हम बारीक एकदम काट लिए हैं। देखिए तो हम बारीक सबको चॉप कर लिए थे, लहसुन 1.5 इंच, अदरक ले लिए थे और हरी मिर्च 2-3 और एक मुट्ठी भर के लहसुन, सबको ग्रेट करके ले लिया और सबको हम मिक्स कर देंगे। आप इस टाइम प्याज का पत्ता भी डाल सकते हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। और काली मिर्च का पाउडर है इसको डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, तेल डाल के और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको अब हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं हम आटा की तरफ। ढक्कन हटा के और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका छोटा छोटा लोई तोड़ लेंगे, तो इसका हम छोटा छोटा लोई काट लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं काटना है। तो देखिए हम इस तरह से इसको बेल लेंगे और थोड़ा थोड़ा बेटर इसमें डालते रहेंगे। मोमोज का फिलिंग हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, ज़्यादा नहीं भरना है। और आपको जिस तरह का शेप पसंद है आप उस तरह से बनाएं, हमको इजी लगता है इस तरह से। हम इसी तरह से इसको मोड़ते जाएंगे और हम बना लेंगे। इस तरह से बनाने से खुलेगा भी नहीं और इसी तरह से हम सारा बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह का हम थाली लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे आप बनाएं, और एक एक करके हम इस तरह से मोमोज को डालते जाएंगे। देखिए हम इस तरह से रख लिए और इसमें थोड़ा सा ब्रश से सब में हल्का हल्का तेल लगा देंगे, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा, एकदम सॉफ्ट बनेगा मोमोज, एकदम सॉफ्ट बनेगा। गर्म होने के लिए पहले से रख दिए थे तो पानी में रख, देखिए पानी में बॉयल आ गया है, इसको हम रख देंगे इसके ऊपर और ढक्कन लगा के हम मीडियम पे रखेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, 15 मिनट हो गया है। तो देखिए ढक्कन हटा के देखते, देखिए कितना अच्छा मोमोज कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम हटा लेते हैं।
इसको निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद हम सर्व करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब सर्व करेंगे। चटनी और हरा चटनी दोनों चटनी मोमोज के लिए दोनों चटनी तैयार कर लिए थे। मोमोज भी देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, आप एक बार जरूर ट्राई करें फ्रेंड। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैदा खाना नहीं पसंद करते तो आप आटे से भी बना सकते हैं।